Hello learners, welcome to this course of Automobile Engineering. This is a video lectures prepared for 6th semester diploma in Mechanical Engineering students. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on Automobile Transmission System. And our today's topic is centrifugal clutch. इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्लच के बेसिक्स के बारे में पढ़ा है, हमने सिंगल प्लेट क्लच के बारे में पढ़ा, मल्टीप्लेट क्लच के बारे में पढ़ा. ये तीसरे टाइप का क्लच है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल क्लच. सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम क्या होंगे. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू Describe construction and working of centrifugal clutch with neat sketch. तो यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच कैसे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग हम लोग देखेंगे, कहाँ पर यूज होता है, ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं. तो अभी तक हम लोगों ने सिंगल प्लेट क्लच पढ़ा है, मल्टीप्लेट क्लच पढ़ा है. सो उसी तरह से हम लोग इस वीडियो में सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में जानकारी उसको सीखेंगे. सबसे पहले देखते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग क्या क्या होती है. तो यहाँ सबसे पहला जो पीओ मैप होगा वो होगा पीओ वन, जो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज. यहाँ हम लोग ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है. जब आप पावर ट्रांसमिशन कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. कंडीशन किस टाइप की है, पावर ट्रांसमिशन कैसे कर रहे हैं हम लोग, और उसके लिए कौन से इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं. तो ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज एनहांस करेगा. सो इसीलिए यहाँ पर पीओ वन हम लोगों ने मैप किया हुआ है. उसके बाद बारी आती है पीओ फोर की, जो है एक्सपेरिमेंटेशन टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिस. सो यहाँ पर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल क्लच की वर्किंग के बारे में देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच किस तरह से काम करता है और किस तरह से उसकी वर्किंग होती है. इसके मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे टूल्स और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आप एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. सो इसीलिए पीओ फोर भी यहाँ पर मैप किया है. उसके बाद आता है कि जो चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये आप कहीं पर भी काम कीजिए, आप सर्विस इंडस्ट्री में काम कीजिए या किसी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कीजिए, तो भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. तो इसीलिए पी ओ सेवन भी मैप किया हुआ है. उसके बाद बारी आती है पी एस ओ टू की. पी एस ओ टू होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट. तो वो करने के लिए आपको यहाँ पे इस वीडियो का काम पड़ेगा. सो इसीलिए पीएसओ टू भी हम लोगों ने मैप किया है. सो ये था इस वीडियो लेक्चर का लर्निंग आउटकम. आइए आगे देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच किस तरह से काम करता है. तो जैसे कि नाम लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल क्लच. अब सेंट्रीफ्यूगल वर्ड आपने इसके पहले भी सीखा होगा. तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच में जो सेंट्रीफ्यूगल वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपको पता अगर नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और सबसे पहले ये वापस रिकॉल कीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इट इज़ द फोर्स. जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करती है, सर्कुलर मोशन होती है, तो एक फोर्स होता है जो सेंटर से आउटवर्ड की ओर, सेंटर से बाहर की ओर अप्लाई करता है रेडियल डायरेक्शन में. दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और यहाँ हम लोग उसी फोर्स के बारे में बात करेंगे. तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच ऑपरेट्स ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच का नाम ही इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर ही ऑपरेट करता है. सो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस वाले क्लच में कोई भी ऑपरेटिंग लिंकेजेस नहीं होते,
यहाँ पर इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो क्लच होता है ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होता है, ये इंजन की स्पीड के हिसाब से ऑपरेट होता है। सो इसीलिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ऑपरेट होता है। तो इस क्लच को ऑपरेट करने के लिए लिंकेजेस की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इस क्लच में लिंकेजेस नहीं होते। इन दिस टाइप द प्रेशर स्प्रिंग आर एलिमिनेटेड, यानी देखिए प्रेशर स्प्रिंग प्रेशर प्लेट की यहाँ पर जरूरत नहीं है, एंड ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड टू अप्लाई प्रेशर टू कीप द क्लच इन इंगेज्ड पोजीशन। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच में, कि वहाँ पे हमारे पास प्रेशर प्लेट होती थी, कुछ स्प्रिंग्स होती थी जो क्या करती थी, एक्चुअल फोर्स अप्लाई करती थी क्लच के ऊपर ताकि वो क्लच इंगेज्ड पोजीशन में रहे। यहाँ पे वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका इंजन अगर ऑन है और इंजन की जो आरपीएम है उसके बेसिस पे ये जो क्लच रहेगा वो इंगेज्ड पोजीशन पे रहेगा, यानी जब तक आपका इंजन ऑन है क्लच इंगेज रहेगा, जैसे ही इंगेज इंजन बंद हो जाता है क्लच अपने आप डिसइंगेज हो जाता है। देन दिस क्लच इज ऑपरेट ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द इंजन स्पीड, जैसा कि मैंने अभी बताया। एंड दिस क्लच कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द ट्रांसमिशन सिस्टम एंड इंजन फ्लाई व्हील। सो ट्रांसमिशन सिस्टम और इंजन फ्लाई व्हील के बीच में ये क्लच ऑपरेट होता है, यानी क्लच की जगह या लोकेशन चेंज नहीं होती, क्लच के फंक्शन भी वही रहेंगे, सिर्फ इसको ऑपरेट करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ देखते हैं कि इस क्लच का कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है। यहाँ पे इस क्लच के दो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये है ड्राइविंग शाफ्ट, दिस इज नथिंग बट द इंजन शाफ्ट। यहाँ से आपको इनपुट मिलेगा, तो यहाँ पे इनपुट आपको मिलने वाला है, और यहाँ पे ड्रिवन शाफ्ट है जिससे आपको मिलेगा आउटपुट। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका आउटपुट शाफ्ट है वो यहाँ पे कनेक्ट है किसके ऊपर, एक यहाँ केसिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये केसिंग अगर घूमेंगी तो ये ड्राइविंग शाफ्ट भी उसी के साथ में घूमेंगी। इनपुट शाफ्ट जो है उसके बीच में एक कंपोनेंट होता है, ये आपकी यहाँ पे इनपुट शाफ्ट रहेगी जिसके ऊपर ये एक प्लस साइज का कंपोनेंट माउंट होता है जिसको हम स्पाइडर बोलते हैं, यानी ये प्लस साइज का एक कंपोनेंट यहाँ पे माउंट किया हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और हर इसके ऊपर यहाँ पे चार शूज लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये एक दो तीन और चार शूज होते हैं। ये हर शूज के टॉप एंड के ऊपर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ फ्रिक्शन लाइनिंग लगी हुई है। तो ये फ्रिक्शन मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है, हर ये जो ऑपरेट होता है ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये स्प्रिंग के ऊपर यहाँ पे माउंट किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये सारी चीजें कैसी है, स्प्रिंग के ऊपर इंस्टॉल्ड की हुई है। ओके सो ये होता है इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। इतनी सारी चीजें होती है। अब यहाँ अगर आप ध्यान देखेंगे तो कोई क्लच प्लेट की जरूरत नहीं है, कोई प्रेशर प्लेट की जरूरत नहीं है, वैसे कोई भी इक्विपमेंट यहाँ पर नहीं है। अब ये काम किस तरह से करता है, तो जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा ये शाफ्ट घूमने लगेगी। ये शाफ्ट जब घूमेंगी तो क्या होगा, ये शाफ्ट की स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, यानी यहाँ पे अप्लाई होगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, यानी सेंटर से दूर बाहर की तरफ हर डायरेक्शन में ये जो फोर्स है वो अप्लाई होगा। जब ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये क्या हो गए, ये एक्सपांड हो गए, यानी स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई होने वाला है। तो स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या होगा, ये आपके जो शूज है वो बाहर की ओर जाएंगे, एंड दे विल गेट अटैच टू दिस केस। ये जो आपकी केसिंग है उसके साथ में ये अटैच्ड हो जाएंगे, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ जब जैसे ही अटैच हो जाएगा तो ये तो पूरी की पूरी बॉडी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, यहाँ से इस तरह से रोटेट होती रहेगी, और ये रोटेट होती रहेगी, तो ये इसके बीच में कांटेक्ट होगा, और इनके बीच में जो फ्रिक्शन होने वाला है उसके वजह से ये केसिंग भी घूमने लगेगी। और ये केसिंग एक बार अगर घूमने लगी तो आपकी ये ड्राइविंग शाफ्ट भी रोटेट होंगी और आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच आपका काम करता है। तो आइए देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है।
तो यहाँ पे देखिए वो इसी तरह का डायग्राम है, जब यहाँ पे इंजन स्टार्ट हो रहा है तो ये रोटेट हो रहा है, तो ये जब रोटेट होगा तो क्या हो रहा है, ये बाहर की ओर भाग रहे हैं, और ये जैसे ही बाहर है तो ये कनेक्ट हो जाते हैं इधर, ये फ्रिक्शन की वजह से आपका ड्रिवन मेंबर यानी जो आउटपुट है वो भी यहाँ से मिल रहा है। यहाँ आपको वर्किंग दिखाई दे रही है, जब भी ये घूमेगा तो ये बाहर की ओर जाएगी और ये इससे कॉन्टैक्ट हो जाएगी और इस तरह से पावर ट्रांसमिशन होगा। और जैसे ही आपका इंजन बंद हो जाता है यानी ये ड्राइविंग शाफ्ट घूमना बंद कर देती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अप्लाई हो रहा था उसका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो जो फोर्स अगर कम हो जाता है स्प्रिंग फोर्स से, तो स्प्रिंग क्या करती है, वापिस अपने शेप में आती है और ये इस शूज को अंदर की ओर खींच लेंगी, जैसे कि अभी दिखाई देगा आपको। जैसे ही इंजन बंद होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, इनको वापस अंदर की ओर खींच लेगा और आपका जो क्लच है वो डिसंगेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपने ध्यान दिया होगा, आप सभी एक्टिवा चलाई होंगी सभी लोगों ने, तो एक्टिवा या मोपिट से रिलेटेड जो भी व्हीकल्स है इनको आप जब भी चलाएंगे तो उसके अंदर आपको क्लच ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस टाइप के जितने भी व्हीकल्स हैं वहां पर आपको सेंट्रीफ्यूगल क्लच ही देखने के लिए मिलेगा। सो लास्ट में देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रहा है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कम होता हो जाते हैं। यहाँ पे सेपरेट क्लच पेडल की जरूरत नहीं है, क्लच लिंकेजेस की जरूरत नहीं है, यानी क्लच से ना क्लच वायर, ना क्लच पेडल, ना प्रेशर प्लेट और उससे रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट कैसे होता है, इंजन की स्पीड से होता है, यानी इजी आपको ऐसे टाइप के व्हीकल चलाना भी आपको बहुत इजी होता है। द व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड इन एनी गियर विदाउट स्टॉलिंग द इंजन। तो यहाँ पे क्या होगा, आप गाड़ी को कभी भी रोक सकते हो, आपको क्लच डिसेंगेज करने की जरूरत ही नहीं है, आप कोई भी गियर पे गाड़ी को रोक सकते हो, कोई भी गियर पे गाड़ी को शुरू कर सकते हो। और ऑल्सो द व्हीकल कैन बी स्टार्टेड इन एनी गियर बाय प्रेसिंग द एक्सीलरेटर पेडल। तो व्हीकल को किसी भी गियर में यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लच का जो यूज है वो मैक्सिमम मोपेट्स और टू व्हीलर्स में होता है, यानी जो व्हीकल्स में जिनके अंदर गियर्स नहीं होते और कुछ मॉडर्न कार्स होती है जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जिनके अंदर होता है, वहां पर हम लोग इस टाइप के क्लच को यूज करते हैं। तो इसका अगर आप वर्किंग आपको पता ही होगा कि जहाँ पे भी आपके ऑटोमेटिक व्हीकल है कि जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो गियर गाड़ी चलने लग जाती है, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच उस हिसाब से काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल क्लच। लास्ट में इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच, तो आपको इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एक्सप्लेन करना आना चाहिए विथ नीट स्केच। सो ये आपका आज का असाइनमेंट क्वेश्चन होगा इस वीडियो लेक्चर के लिए। साथ ही साथ पीओ मैपिंग देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले तो नॉलेज जो बड़ा है वो है बेसिक नॉलेज और डिसिप्लिन नॉलेज, उसके बाद PO4 दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिस, तो ये आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। सो इसीलिए PO4 मैप होता है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको लाइफ लॉन्ग काम में आएगी, तो इसीलिए PO7 मैप किया है हमने। और मेंटेनेंस इसका करना है, तो इसीलिए PSO2 दैट इज मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट PSO2 हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया। सो दिस वॉज द लास्ट लेक्चर रिलेटेड टू क्लच। सो क्लच के ऊपर के ये सारे टॉपिक हम लोगों ने इन वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में कवर किए हैं, तो अभी तक हम लोगों ने क्लच के बारे में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। सो क्लच के बारे में जब आप ध्यान देंगे तो हमने सिंगल प्लेट क्लच पढ़ा, मल्टी प्लेट क्लच पढ़ा है और उनका कंपैरिजन देखा है, और तीसरा जो हमने आज पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ क्लच। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लच। सो क्लच के बारे में हम लोगों ने देखा, ट्रांसमिशन सिस्टम का पहला जो कंपोनेंट होता है वो था क्लच, तो क्लच से जो पावर आता है वो आगे ट्रांसफर होता है गियर बॉक्स को। तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग गियर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो गियर बॉक्स के फंडामेंटल्स पर होगा। सो कीप लर्निंग, थैंक यू।